नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस रूम हीटर को बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और इस रूम हीटर को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद उस कार्डबोर्ड के टुकड़े से हम ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे। और दोस्तों, बॉक्स का ऊपर का साइड और इस साइड को हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 0-12 ट्रांसफार्मर और एक 12 वोल्ट कूलिंग फैन। उसके बाद इस ट्रांसफार्मर को हम इस बॉक्स के अंदर की तरफ ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद बॉक्स के इस साइड को हम ऐसे राउंड शेप में काट देंगे। काटने के बाद इस फैन को हम इस बॉक्स के अंदर की तरफ ऐसे लगा देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 4 पीस 1N4007 डायोड और 1000UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद ये 4 डायोड से हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद फैन का पॉजिटिव तार हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ और नेगेटिव तार हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद रेक्टिफायर के इस पॉइंट को और इस साइड में रेक्टिफायर का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ट्रांसफार्मर के ये 2 पॉइंट के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक हैलोजिन बल्ब और एक हैलोजिन बल्ब का होल्डर। उसके बाद इस होल्डर को हम इस बॉक्स के अंदर की तरफ ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद इस होल्डर के साथ हम इस हैलोजिन बल्ब को लगा देंगे। लगाने के बाद इस बल्ब का 2 तार हम इस ट्रांसफार्मर के ये 2 पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक एसी पावर कॉर्ड। उसके बाद इस पावर कॉर्ड का 2 तार हम इस ट्रांसफार्मर के ये 2 पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, ये 2 तार हम डायरेक्ट एसी लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक नेट का टुकड़ा। उसके बाद इस नेट के टुकड़े को हम इस बॉक्स के सामने की तरफ ऐसे लगा देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए अब हम बॉक्स का ऊपर का साइड लगा देंगे और इसे गम से अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, ये रूम हीटर कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक रूम हीटर अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।